नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल MPPSC राम में। आज जो है अपने महत्वपूर्ण 22 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो कि आपकी बाल विकास से संबंधित हैं और आपकी आने वाली परीक्षा मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर का एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैंने 22 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट निकाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है और आपको अपनी परीक्षा और अपनी तैयारी का आकलन करना है इस वीडियो के माध्यम से और देखना है कि किस तरीके से मैंने तैयारी की है और मेरा जो अभी स्तर है कि मैं परीक्षा के लिए अवेलेबल हूँ कि अभी भी मुझे कोई सब्जेक्ट छूट रहा है कहीं ना कहीं से। तो बाल विकास से संबंधित ये प्रश्न आपके लिए कहीं ना कहीं मेरा बनाने का ये पर्पज़ है कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के साथ बने रहें और एंजॉय करें। परीक्षा तिथि की बात की जाए दोस्तों, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो परीक्षा तिथि है निर्धारित तिथि के अनुसार ही होगी, जो कि परीक्षा में बताया गया है कि 29 दिसंबर के बाद आपकी वर्ग दो की, और उसके बाद जनवरी में जो होगी आपकी वर्ग एक एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जनवरी एग्ज़ाम से लेकर कोई परेशानी नहीं रहनी है, ना कन्फ्यूज़ होना है। एग्ज़ाम तय ही तय होंगे और एग्ज़ाम उसी के अनुसार ही होंगे दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आज के लिए। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए, तो कौन सी भूमिका निभानी चाहिए दोस्तों? अग्रोमुखी। अग्रोमुखी से तात्पर्य अपना क्या है कि आगे होकर सबसे प्राथमिकता है जो रहती है, व्यक्ति का विकास होता है तो वो इसी के माध्यम से होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है दोस्तों। सेकेंड प्रश्न है कि सीखने के अंतःदृष्टि का सिद्धांत किसके ने बढ़ाया, को जो किसने बढ़ाया इसको, तो जो थे गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी थे दोस्तों, उन्होंने ये सिद्धांत को बढ़ावा दिया। तो किसने सिद्धांत का बढ़ावा दिया दोस्तों? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी जी ने इसको बढ़ावा दिया। देख लेते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कौन सा है कि बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया, तो हस्तकला केंद्रित पर इन्होंने क्या विशेष बल दिया कि जो था पाठ्यक्रम का जो बढ़ावा होना था वो इसके माध्यम से होना था दोस्तों। आगे देख लेते हैं कि आगे कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है चौथा, मूल्यांकन से क्या तात्पर्य अभिप्राय है, तो छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना ही मूल्यांकन का क्या अभिप्राय है। अभिप्राय से तात्पर्य ये होता है कि इसका मतलब क्या है या इसका सार्थक तात्पर्य क्या निकलता है, तो इसका सार्थक तात्पर्य यह निकलता है कि छात्र की जो अधिगम है या उनकी सोचने की क्षमता, उसकी सफलता और असफलता का अध्ययन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। पांचवा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान HIVH का स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर इसका मुख्यालय है दोस्तों? तो देखते हैं कि जो आपका देहरादून है, जो अपनी देहरादून, ये आपको ध्यान देना कि देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि का क्या है मुख्यालय है, इसका शॉर्ट नेम क्या है, SIVH। इसके बाद छठवां इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कोमल शिल्प का उपागान किससे संबंधित है, तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से जो है कोमल शिल्प उपाग्राम का संबंध यहाँ पर है दोस्तों। अब आठवां इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सातवां इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन सा है कि कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अनुदेशन के सिद्धांत पर कठोर शिल्प उपागम आधारित है। इसके बाद आठवां इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, देख लेते हैं दोस्तों क्या है कि भूख और प्यास क्या है, तो अर्जित प्रेरक है, जो आप जिसको अर्जित करते हो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अर्जित प्रेरक कौन से हैं आपके, तो पहला आपका भूख है और भूख और प्यास, ये क्या कह सकते हैं इनको अपन, क्या है ये अर्जित प्रेरक हैं। नौवां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चिंतन संज्ञात्मक पक्ष में एक मास्तक क्रिया है, यह कथन किसके माध्यम से कहा गया, किसका थॉट है ये, तो ये रॉस द्वारा क्या कहा गया थॉट है, या रॉस का ये थॉट कहा जा सकता है। इसके बाद दसवां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्यक्तित्व के संगठन का किसका स्वरूप होता है, तो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, वो मानसिक रूप से भी अपना सहयोग कर सकता है और अपना शारीरिक रूप से भी उस काम के लिए वो क्या कर सकता है, सहयोग कर सकता है, जिसको क्या बोल सकते हैं व्यक्तित्व के संगठन में जो आवश्यक स्वरूप होते हैं। ग्यारहवां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होते हैं, तो अंतर्मुखी जो व्यक्ति रहते हैं या सेल्फ, जो अपने अपने अंदर आपको समझते हैं सेल्फ, वो व्यक्ति क्या होते हैं, अंतर्मुखी कहे जाते हैं। बारहवां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, तो बाहरमुखी होता है, जो आपको बाहर दिखता है या बाहर से ही आपकी बोर्ड बात करने में उसका जो व्यक्तित्व रहता है, उसकी बात करने से उसके बाहरमुखी बाहर से ही समझ में आता होता है उसका बिहेवियर कैसा है, तो ये कैसा होता है दोस्तों, बाहर व्यक्तित्व होता है, यहाँ पे आपको इसको ध्यान देना है। तेरहवा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं कि आपने अपने को प्रेम करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, अपने आप को, तो नर्सरी सेज में जो है सेल्फ लव, सेल्फ लव से तात्पर्य कि जो आप खुद को प्यार करते हो, खुद की केयर करते हो, खुद की, मतलब सेल्फ से तात्पर्य खुद का कार्य या खुद से प्यार करना ही क्या कहलाता है, नर्जी जिसमें कहलाता है, जिसमें से तात्पर्य होता है शरीर और नर्स का मतलब होता है खुद का। इसके बाद चौदहवा इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो पेवलव थे जो दोस्तों,
पेवलव, पेवलव से तात्पर्य यहाँ पर पेवलव वैज्ञानिक ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर किस किसका अधिगम अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया, पेवलव ने यहाँ पर किया दोस्तों। देखेंगे आगे इंपोर्टेंट प्रश्न कौन सा है आपका 15वां, तो किस विद्वान ने क्या कहा दोस्तों कि किस विद्वान ने कहा कि बुद्धि की संरचना में मूल रूप से दो कारक निहित होते हैं। तो स्पीयरमैन ने कहा है कि बुद्धि की जो संरचना होती है उसमें दो कारक निहित मूल रूप से होते हैं। 16वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनोविज्ञान की भाषा में किसका अर्थ आकार में वृद्धि से किया जाता है, तो अभिवृद्धि में मनोविज्ञान जो होता है उसकी भाषा के विकास का अर्थ इससे दिया जाता है। अब देख लेते हैं 17वां इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है आपका दोस्तों, जो समस्या समाधान और प्रतिमान है जिसके में तार्किक चिंतन निहित होता है यह कथन किसने कहा, तो ये स्टिलनर ने कहा दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देना दोस्तों। इसके बाद 18वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार क्या होता है, अधिगम जो करता होता है अधिगम का मुख्य आधार क्या होता है, तो क्या होता है परिपक्वता या पूर्ण रूप से कार्य होना या पूर्ण रूप से पक्के होना या मजबूत होना उस काम के प्रति। नवोदय विद्यालय को प्रारंभ क्यों किया गया, क्या रीजन था कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई, तो गरीब बच्चों के लिए जो एवेबल नहीं हो पाती या शिक्षा के लिए सही शिक्षा का डायरेक्शन नहीं ले पाते तो वहाँ रहकर वो अपनी परीक्षा का क्या कर सकते हैं अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं 20वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो है कौन सा है, तो बच्चों के सामाजिक व सामाजिक का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो समाजमिति विधि द्वारा क्या किया जाता है बच्चों का सामाजिक परीक्षण किया जाता है। इसके बाद सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विकास किस अवस्था से शुरू होता है, तो प्रसवपूर्ण अवस्था से जब आप गर्भ में रहते हैं माँ के 9 महीने, तो वहाँ से आपका क्या होता है दोस्तों, वहाँ से आपका क्या होता है प्रसवपूर्ण अवस्था से आपका विकास प्रारंभ हो जाता है। 22वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा किसका हिस्सा है, तो बौद्धिक विकास का, आपकी हेल्थ जो रहती है अलग होती है और माइंड हेल्थ अलग होती है जिसको क्या है बौद्धिक विकास कहा जाता है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों कमेंट करके कैसा लगा आपकी ये 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, और आप कमेंट करके बोलिए सर प्लीज़ इट्स कंटिन्यू, तो मैं आपको आगे भी इसी तरीके की जो टेस्ट सीरीज है आपके लिए लाऊंगा, यहाँ आपका आंकलन हो जाएगा कि मेरी तैयारी कैसी क्या है। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के प्रेस कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन की बेल आई उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसके माध्यम से सारे नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक सबसे पहले वो प्राप्त हो पाएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।